Morning, students. In the last class, you have revised up to chapter triangles. You have already completed your syllabus up to triangle, and thereafter you have revised also. Today, we have to start a new chapter, that is congruence of triangles and inequalities in a triangle. In this chapter, first of all, we have to learn about congruent figures. Congruent figures. Two figures are said to be congruent to each other if they are exactly identical to each other. दो फिगर आपस में congruent तब कहलाते हैं जब हर तरह से वो एक दूसरे के समान होते हैं. कंग्रुएंट का हिंदी मीनिंग होता है सर्वांग सम, सर्व जोर अंग जोर सम. अगर दो फिगर के सारे अंग एक दूसरे से एक समान हो तो वो दोनों कंग्रुएंट कहलाता है. टू फिगर्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर. देखें एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, टू लाइन सेगमेंट्स आर कंग्रुएंट इफ दे आर ऑफ इक्वल मेजर. इक्वल मेजर और दे आर इक्वल इन लेंथ. दो लाइन सेगमेंट कंग्रुएंट कहलाएंगे अगर उन दोनों का लेंथ क्या हो, बराबर हो. मान लीजिए ए बी है और सी डी है, ये दोनों लाइन सेगमेंट. अगर दोनों की लंबाई 5 सेंटीमीटर ही है तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कंग्रुएंट है. सेकेंड, टू सर्कल्स are said to be congruent if they have equal radii. अगर दो सर्कल है, ये मान ले सर्कल वन है, इसका भी रेडियस r1 और ये r2. R1 अगर R2 के इक्वल है तो ये दोनों सर्कल आपस में कंग्रुएंट होंगे. अगर इनका दोनों रेडियस सेम हो गया तो एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और इसलिए इन दोनों सर्कल को क्या कहेंगे, दे आर कंग्रुएंट टू ईच अदर. इस चैप्टर में एक्चुअली आपको कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है. ओके, in this chapter we have to actually learn about the congruence of triangles. See here, congruence of triangles. If triangle ABC is congruent to triangle DEF, then it is represented by triangle ABC is congruent to triangle DEF. This is the sign of congruence. It states is congruent to. It denotes is congruent to.
means triangle ABC is congruent to triangle DEF, and it ensures अगर मान लें ये ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट है ट्रायंगल डीईएफ के, अगर यह ट्रायंगल दोनों आपस में कंग्रुएंट है तो इसका मतलब हुआ यह तय करता है कि एंगल ए जो है डी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। इट इंश्योर्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू DF। इसका मतलब है AB DE के इक्वल, BC EF के इक्वल एंड AC EF के। अगर ट्रायंगल दोनों आपस में कंग्रुएंट है तो ये छह चीज, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे और तीनों साइड आपस में बराबर होंगे। यह कंग्रुएंट होने पर ये छह चीज इक्वल होना तय। अब हम कुछ क्राइटेरिया लेंगे क्या दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ये छह चीज प्रूफ करना होगा। यू डोंट हैव टू प्रूफ ऑल दीज सिक्स थिंग्स, यू हैव टू टेक ओनली थ्री ऑफ देम अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, उसमें से मात्र तीन लेना है कुछ खास नियमों के आधार पर, और तब आप तय करेंगे कि ये दो फिगर आपस में कंग्रुएंट। देखें, फर्स्ट कंग्रुएंस क्राइटेरिया है एस ए एस, एस ए एस कंग्रुएंस एग्जाम। एक्चुअली एस ए एस एग्जाम है, इट्स नॉट ए थ्योरम, यह थ्योरम नहीं है। आपको आर.एस. अग्रवाल में थ्योरम के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, but the proof of this theorem is not based on the pre-known theories, या पहले से जाने गए theory के आधार पर इसका proof संभव नहीं है। It is proved with the help of an activity and therefore it is not a theorem but it's an axiom। आप NCERT में देखेंगे तो वो लिख देगा कि ये pre-known theory से proof करना संभव नहीं है, यह एक axiom है ना कि theorem। आप आर्य सरोवर में जो प्रूफ किया गया है वो भी एक एक्टिविटी के तहत प्रूफ है। आइए, इसी इस कंग्रुएंस एक्जम मीन साइड एंगल साइड, इफ टू साइड्स एंड द एंगल इन क्लूडेड between them of one triangle are correspondingly equal to the two sides and angle included between them of another triangle, then they are congruent to each other। अगर एक ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल, दो साइड और उसके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के उसी संगत मींस कोरिस्पोंडिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड के बराबर हो तो वो दोनों आपस में कंग्रुएंट होगा। देखें,
triangle ABC, and this one is another triangle DEF. Here, side AB is equal to side DE, angle B is equal to E, and BC is equal to EF. If in triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to BE, angle B is equal to angle E, and BC is equal to EF, then by SAS, triangle ABC is congruent to EF. Now we have to prove a theorem. The angles opposite to equal sides of a triangle are equal. देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल तो साइड ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तब आपको प्रूफ करना है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी ए सी ए बी के इक्वल है तो इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको दिया हुआ है. टू प्रूफ साबित क्या करना है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. कंस्ट्रक्शन इसके लिए हमने कुछ अपने से कुछ किया, जैसे एडी को हमने एंगल बाइसेक्टर लिया, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज ड्रॉन विच मीट बी सी एट डी. हमने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा जो बी सी से कहां मिला, डी पर. अब आपको प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको दिया हुआ है. एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय कंस्ट्रक्शन है, एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन है. देखें साइड एंगल साइड, इधर से साइड एंगल साइड, ये दोनों में कॉमन है, देयरफॉर बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, देयरफॉर बाय सी पी सी पी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल. ये सी पी सी पी स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, कभी कभी इसको कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल भी बोला जाता है, दोनों सही है. अब ए बी डी ले ए सी डी ले तो क्या हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ओके, अब हम लोग एक दूसरा थ्योरम प्रूफ करेंगे, ये है ए एस ए कंग्रुएंस क्राइटेरिया. इसको प्री नोन थ्योरी से प्रूफ करना संभव है, इसलिए ये एक थ्योरम हो गया. देखिए If two angles and the side included between them of a triangle are correspondingly
इक्वल टू द टू एंगल्स एंड साइड इनक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अदर ट्रायंगल देन दे आर कंग्रुएंट टू ईच अदर। हमको के से है एंगल साइड एंगल। अगर किसी एक ट्रायंगल का दो एंगल, जैसे ले ये ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, डी ई एफ, इसका एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल और बी सी एफ के इक्वल है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में कंग्रुएंट होंगे। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। टू प्रूव साबित क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये मात्र तीन आपको कंडीशन है और इस तीन कंडीशन से प्रूफ कर देना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होंगे। देखिए प्रूफ में हियर देयर अराइजेस टू केसेस। केस वन व्हेन AC इज इक्वल टू DF। अगर आप AC और DF की चर्चा करें तो AC या तो DF से इक्वल होगा नहीं तो नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन को लेना, केस वन पे लिया मैंने AC इज इक्वल टू DF, देन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DE एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ क्या है तो गिवन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ ये भी क्या है गिवन है, एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ इन दिस केस, इन दिस आपने क्या देखा ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ए सी डी एफ के इक्वल, देन देयरफॉर By SAS, triangle ABC congruent to triangle DEF। और दूसरा केस, केस टू, when AC is not equal to DF, मान ले कि AC DF के इक्वल नहीं है। अब एसी या तो डीएफ से छोटा होगा नहीं तो डीएफ से बड़ा होगा। अगर मैं एक डी डैश पॉइंट लू तो वो डी डैश डीएफ पर होगा तब जब एसी छोटा होगा। अगर हम एसी के बराबर करने के लिए दूसरा अगर डीएफ पर ले और या एसी डीएफ से बड़ा हो तो उस स्थिति में वह एफडी के बढ़े हुए भाग पर डीडस मिलेगा। मीन्स अगर एसी इज इक्वल टू डीडस एफ आप करना चाहते हैं तो जब एसी छोटा होगा तो डीडस डीएफ पर आएगा, अगर एसी बड़ा होगा तो एफडी से बड़ा हो जाएगा डीडस पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया डीडस को इसे मिला दिया, वी टेक डी डैश ऑन डी एफ और एफ डी प्रोड्यूस।
so that AC is equal to B dash F, so that AC is equal to B dash. Now in triangle ABC and triangle B dash E, BC is equal to EF, angle C is equal to angle F, and AC is equal to B dash. Here BC is equal to EF given है, C is equal to F ये भी given है, और आपने AC is equal to B dash F by construction लिया. Therefore by SAS triangle ABC congruent to triangle D dash EF. अब ये ABC congruent हो गया D dash EF के, and therefore by CPCT angle ABC is equal to angle D dash EF. जबकि ABC है किसके इक्वल, DEF के, तो क्या होगा, एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल D dash EF. अब जरा सोचिए ये DEF D dash EF के बराबर कैसे हो जाए. ये दोनों तभी इक्वल होगा जब D और D dash एक दूसरे पर कॉन्साइड करता हूं. Therefore D dash कॉन्साइड ऑन D, and therefore triangle ABC congruent to triangle DE. इस तरह से दोनों केसेस में या तो मैंने लिया AC is equal to DF या AC is not equal to DF, ये A D पर ही आया और triangle ABC DEF के congruent हो गया. आप जो आज थ्योरम सब बताया गया है उन सब का अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करने के बाद इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो चैप्टर 9A में होगा उसे सॉल्व करेंगे. थैंक यू.